प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े सारिया का मेरे अज की गणित की क्लास के स्वागत है। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव चैप्टर है जोड़ा वो कर रहे थे, जिंद एक्सरसाइज 6.12 जी कर ली सी, जिंद एक रेट ऑफ चेंज तो एक इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शनस बारे पढ़िया। डेरीवेटिव यूज़ करके आप किमें सोल्व करने, तो इस एक्सरसाइज के आप टेंजेंट्स के नॉर्मल बारे पढ़ रहे थे। सो जिंद क्वेश्चन नंबर 18 से आ गए सी। ये बच्चे मैं एक्सरसाइज जी 6.3 बुक है NCERT तो जिन्हें भी थोड़े टॉपिक है जी NCERT की बुक है उन्हें तो कवर हो रहे हैं। जे किसी को बच्चे को बुक है नहीं गी, ठीक है, बड़े जोड़े है लिंक है जोड़े प्रोवाइड किए गए डिपार्टमेंट वालों जिन्हों से तुम बुक डाउनलोड कर सकते हो। एक ई पाठशाला ऐप हैगी है, ठीक है। हूँ सब क्वेश्चन की सगा, आप क्वेश्चन 17 तक कर रहे थे। 18वां क्वेश्चन की सगा, आपने को कर्व है कहना फाइंड आल दोज पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजन। वो सारे बिंदु पता करो जिन्हों जी स्पर्श रेखा वै मूल बिंदु के लगती हो, ठीक है, ओरिजन के पास करती हो। सो क्वेश्चन करते हैं, सब तो पहला तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होंगी है, ठीक है। जिन्हें भी क्वेश्चन है इस एक्सिस के सब तो पहले डेरीवेटिव तो आप करना ही है। एम की वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स ए 12x² माइनस 10x4। हूँ आप इतने कोई पॉइंट नहीं गिवन गा, आप कोई एक्स वाई वाई एक्स वाई पॉइंट कंसिडर कर लें। यह वैल्यू एज इट इज ही रह जूगी, ये एम की वैल्यू आ गई। हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जी, एक्स आप वाई ऑलरेडी इनवॉल्व कर ले, इसलिए आप कैपिटल एक्स न कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई ना जोड़े वह वेरीएबल यूज़ करा जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के यूज होने हैं। वाई माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी की सी वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इतने आप जी वाई है वह कैपिटल वाई लवेंगे तो जी समॉल एक्स है वह आप कैपिटल एक्स लवेंगे बिकॉज एम है जी इन टर्म्स ऑफ एक्स समॉल एक्स ऑलरेडी आ गई करके। सो डिफरेंशिएट रखने लिए कैपिटल वाई तो कैपिटल एक्स ले है, वाई माइनस वाई इतने पॉइंट आप लिया समॉल वाई एम एम की वैल्यू कि अपने को 12x² कैपिटल एक्स माइनस एक्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। हम आप किहड़े पॉइंट पता करने हैं जिंदे विचों ये जी स्पर्श रेखा वै मूल बिंदु के होके दी लंघदी हो। मूल बिंदु पता है ओरिजन के कोऑर्डिनेट की होंगे आप 0 0। हूँ जी इक्वेशन है सिंस इक्वेशन 1 पासिस थ्रू ओरिजन, ये ओरिजन के पास कर रही है, कहने का मतलब की है कैपिटल एक्स तो कैपिटल वाई, ठीक है, ये दोवें की हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे क्योंकि जोड़ा ओरिजन होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स की होंगे 0 0। हूँ आप इस एक नंबर के एक्स 0 तो वाई 0 भर के एक्स दी वैल्यूज कढ़ांगे, वो एक्स दी वैल्यूज इस वाई में फिल करांगे तो उतो पॉइंट आ जाएंगे जिन्हों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जी ओरिजन के पास कर रही होगी। सो इन्हें आप वैल्यूज फिल कर जा रहे हैं, हम इन भी 0 अपने को वाई की वैल्यू भी 0 माइनस समॉल वाई 12x² माइनस 10x⁴ कैपिटल एक्स की वैल्यू भी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू आ माइनस एक्स अगे ले जाइए इन कैंसल वाई इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। तो आप वाई की वैल्यू जी स्टेटमेंट के बच्चे किन्नी दी हुई सी सी इधर मैं साइड पर लिख दा तुम याद करवा दा जी स्टेटमेंट के वाई की वैल्यू किन्नी सी 4x³ माइनस 2x⁵, ठीक है, जोड़ा आप हाँ डेरीवेटिव किया हूँ इतने वाई की वैल्यू फिर कर दो, ठीक है। आप एक नंबर पा ही लिया इसमें मैं ए का नाम दे दा जी सब तो पहली इक्वेशन से उन्होंने तुम ए कैपिटल ए ना डिनोट कर लियो यूजिंग ए वाई की वैल्यू फिल कर लगा मैं जी स्टेटमेंट कि 4x³ माइनस 2x⁵ 12x³ माइनस
10 एक्स रेज टू पावर 5। अगे सॉल्व करते हैं। सो लाइक टर्म्स ऐड सबट्रैक्ट कर दिए, सो 4 एक्स क्यूब इनू आप उधर ले जाइए, 4 एक्स क्यूब नू ते 10 एक्स रेज टू पावर 5 इधर ले जाइए, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड सबट्रैक्ट होनी है, ए माइनस अभी प्लस दी हो जाऊगी इधर आ गए। आ 4 एक्स क्यूब है, यह माइनस हो जाएंगे, 10 विच दो गए 8, ये 12 चो 4 गए 8 बचे, 8 नाल 8 कैंसल हो गया, इधर आके माइनस दी इतों एक्स स्केयर कॉमन, एक्स क्यूब कॉमन, अंदर एक्स स्केयर माइनस 1 रह जाऊगा, इतों आइदर एक्स क्यूब इज 0 और एक्स स्केयर माइनस 1 इज 0, एक्स क्यूब 0 बदलूंगा जो एक्स 0 होगी, यह फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इतों एक्स की वैल्यू एक 1 आ गई तो एक माइनस 1 आ गई, सो एक्स 0। ਆਪਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹੁਣ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਟ ਇਨ a, ਆਲ ਦੀਸ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਇਨ a, ਸੋ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 0 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਸ 205, ਇਹ ਬੱਚੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 0, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਵਾਸਤੇ, a 4 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3, 4 माइनस 2, सो ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1,2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19। ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖੇ ਆ ਇੱਥੇ 19, 20, 21, 22, 23 ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 4, 26 ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਹਿੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 19, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20। ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਫਾਇੰਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਐਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ay ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x ਕਿਊਬ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ am ਸਕੁਅਰ ਤੇ am ਕਿਊਬ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ am ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਉਹੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਹੈ, ਆ y1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ m ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। x1 y1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
डेरीवेटिव तुम्हें किया ही होगा वह थले रख के तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह सोल्व करना। 20 सी बच्चे ये 19 नहीं सीगा, क्वेश्चन नंबर 20 सी। अगे 21 से आ जाओ, इन्हें भी पैरल टू की लाइन दी हुई है, इन्हें क्वेश्चन आप शायद एग्जाम्पल च कर लिया, इन्हें भी करव द डेरीवेटिव करके जी तुम लाइन दी हुई है उनकी स्लोप कढ़ लेनी है, तो एम की वैल्यू उन्हें इक्वल रख लेना क्योंकि पैरलर की गल हो गई है। पैरलर के केस के जे कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप नू इक्वल टू जीरो रखा, जे किसी लाइन के पैरलर है तो उस लाइन की स्लोप कट के वह फॉर्मूला सी माइनस ए ओवर बी या माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई। ठीक है, होर भी बड़े तरीके आप प्लस वन सीखे हुए हैं, जोड़ा तुम्हें सौखा लगता है तो उस तरीके इक्वेशन ऑफ लाइन की है जी स्लोप कढ़ सकते हो। अगे नैक्सट क्वेश्चन 22 ये भी इस तरह ही है। ठीक है, कर लेना। अगे क्वेश्चन करते हैं 23 करते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये मैं करवा देना। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्केयर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल्स राइट एंगल्स इफ हम बच्चे आप प्रूव करना है भी ये जिहड़ियां कर्व्स है जे राइट एंगल दे कट कर दिया हुण एक दूजे दे विच 90 डिग्री दे ये कट कर दिया हुण कर्व्स तां ये कंडीशन जिहड़ी है फॉलो होगी इस केस दे विच। हुण सब तो पहला तां आपां इन्हां दे इंटरसैक्शन पॉइंट कढ़ीए, एक्स दी वैल्यू वाई स्क्वायर इनू एक नंबर इनू दो नंबर, पुट वन इन टू। पहला तां इन्हां दोवां कर्व्स दे मैं इंटरसैक्शन पॉइंट कढ़न लगा, ये कट कित्थे करनगे आपस दे विच। ठीक है, ये अपने को पॉइंट है इतने कट कर जाकर। ठीक है, आप इंटरसैक्शन पॉइंट ही करना, यह कट कितने करनी है, इन्हें डायग्राम इंज भी हो सकती है। ठीक है, आप इंज भी हो सकती है, आप इन्हों इंटरसैक्शन पॉइंट फाइंड करना, यह कट कितने करनी है। एक नू दो नंबर के भरीए, हम एक्स की वैल्यू वाई स्केयर है, y square into y is equals to k, y the cube is equals to y equals to k, y cube is equals to k, cube है जरा उधर जाके cube root बन जाना, ये y की वैल्यू k raised to power 1/3 आ गई, इन्हें पुट इन वन कर दिया, y की वैल्यू x is equals to k 1/3 पावर ऊपर 2 आ गया, स्केयर आ गया सारे का होल स्केयर आ गया, कहना मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 and 2 इज के रेज टू पावर 2/3, तो एक आप इतने कभी सी हमने वाई की वैल्यू, ए दा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। हूँ आप स्लोप्स कढ़नी, स्लोप्स कढ़ीए इन्हों दी, सो इंटरसेक्शन पॉइंट कढ़ दे आप। हूँ वाई स्केयर कहते इक्वल है एक्स दे 2y dy/dx, यह 1 के इक्वल आ गई, तो मैं m1 का नाम दे देना, यह अपने को m1 आ गई स्लोप ऑफ फस्ट कर्व। हूँ dy/dx है जरा 1/2y, हूँ जो इन्हों का पॉइंट से इंटरसैक्शन पॉइंट, आप m की वैल्यू कढ़ीए, ए 1/2 k/1/3। हूँ एम टू कढ़ीए, एवं पहला डेरीवेटिव करिए, एक्स एवं वाई का डेरीवेटिव dy/dx प्लस डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पैक्ट टू एक्स। बच्चे इतने मैं किया डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पैक्ट टू एक्स, एक्स dy/dx एज इट इज, फिर वाई उधर कॉन्सटेंट है 0, एक्स dy/dx कितने बराबर आ गया थोड़े को माइनस वाई दे dy/dx कितने बराबर आ गया, हूँ क्या मतलब एम टू की वैल्यू dy/dx पॉइंट कड़ा सीगा k/2/3 k/1/3 इक्वल्स टू वाई की वैल्यू कितनी है
ए की पावर 1/3 तो एक्स की वैल्यू कितनी है ए की पावर 2/3 इन आप नीचे ले आइए डिविजन आप पढ़िया बेसियम तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी पावर एट्थ रिजल्ट पढ़िया पढ़िया आप 1/3 आ गया ठीक है जी। हुण आप एम वन तो एम टू कैलकुलेट कर ली एम वन थोड़े को कितनी आई है एम वन की वैल्यू आप इतनी कभी सी आ पी एम वन की वैल्यू ए आई है एम टू की वैल्यू कि आई है थोड़े को -1/(k^1/3) हूँ ए आपस के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर वाला केस आप किया जी आंजट आ नॉर्मल हो गया इन्हों की जी स्लोप्स है उन्होंने प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो गए जो 90° से कट करते हो सो उ इतने जान लग जाने एम वन की वैल्यू इन टू एम टू की वैल्यू माइनस ना माइनस कटिया गया हूँ 1 = ये आप उधर ले जाइए ये बेस सेम है जुड़ जाएगी पावर ये 2/3 आए हैं क्यूबिंग बोथ साइड दोवें पासे क्यूब कर दिए क्यूब क्यों खत्म किया आह फ्रैक्शन वाला 3 खत्म कर लो डिनोमिनेटर वाला 1 का क्यूब 1 आ गया 2 का क्यूब आ गया इधर इधर आ 3 आ गया आ कैंसिल हो जाना के स्क्वायर इनटू 8 2 का क्यूब 8 8 के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यही अपना प्रूव करना सी सो ध्यान में करना क्वेश्चन है ठीक है थोड़ा जा डिफरेंट सीगा बाकी क्वेश्चंस दे नालो सो ए क्वेश्चन अपना 23 है इस तरह जिहड़ा अपना सॉल्व करना सी अगे 24th बच्चे आपे ट्राई करना 25th भी आपे ट्राई करना सो 26वें असाइनमेंट चो मैं एक करवा दिना 27 कर लेने 26 होमवर्क है तुहाडा 26 होमवर्क है 27 क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट ए ऑप्शन है 1, 2 बी ऑप्शन इज 2, 1 सी ऑप्शन इज 1, -2 डी ऑप्शन इज -1, 2 की क्वेश्चन की है कहना भी ये जी लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ये जी लाइन है ਉਹ ਇਸ ਕਰਵ ਨਾਲ ਟੇਂਜਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਂਜਟ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ ਟੇਂਜਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀਦੇ ਆ ਹੁਣ पहली गल तो फिर दोबारा समझ लो आ मान लो आ कर्व की इक्वेशन है ये अपन दिसी जाता है ये राइट हैंडेड पैराबोला सो आ लाइन हैगी अपने को वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 सो टेंजेंट है जिथे मर्जी मान लो इतने सपोज टेंजेंट जेडे पॉइंट से टेंजेंट होगी वह पॉइंट पैराबोला से भी लाई करूंगा तो इस लाइन उपर भी लाई करूंगा दोवों सैटिस्फाई करना होंगे सो सब तो पहले आप पहले पॉइंट की गल करते हैं एक्स 1 तो वाई 2 है जी उनके भरते हैं वाई 2 सो आ गया होर कोई 2x2+1 3 नहीं आई ये भी नहीं आना जे आप एक्स 1 भरीए 1+1 2 इधर -2 आ रहा यह पॉइंट भी नहीं आना
एक्स जो माइनस वन भरी है वाई जीरो आ रही है इतने टू आ रही है कहने का मतलब पहली ऑप्शन ही बन गई अपना भावे कर्व च भर के देख लो हाँ एक्स की वैल्यू वन वाई की दो सो वैसे तो इनकी लोड़ नहीं सी पर फिर भी तुम चैक कर लो इन ए भी फोर इक्वल्स टू फोर आ रहा आंसर कि आ गया ए सीधा ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इस तरह पॉइंट सैटिस्फाई करा के वेट लिया करा ठीक है जी सो ये थोड़ी टेंजेंट्स से नॉर्मल वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है आई होप तुहानू यह समझ लग गई होगी सारिआं नूं ठीक है फिर भी जे कोई बच्चे यह लैक्चर देख तो थोड़े नाल दे फ्रेंड्स रह जाते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल मैथमैटिक्स मेड ईजी भी है ये वीडियो सू उ भी मिल जाएगियाँ हुण आपां जिहड़ी नैक्सट एक्सरसाइज है वह स्टार्ट करन जा रहे हैं वह आपां उहदे विच की सिखांगे उहदे विच आपां सिखांगे भी जिहड़ियां आपणे कोले डैसीमल्स वालियां वैल्यू हुंदियां उहदा स्केयर रूट करना आपां लोअर क्लासेस दे विच सिख्या है डिविजन मैथड दे नाल बट इहदे विच आपां यूजिंग डिफरेंशियल्स डेरीवेटिव नूं यूज करके डेरीवेटिव नूं यूज करके सिखांगे किवें आपां डैसीमल्स वालियां वैल्यूज का स्केयर रूट है जिहड़ा उहदी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इहदे विच जिहड़ा तुसीं डेल्टा मैथड प्लस वन दे विच जां एवीएन इशू जां फस्ट प्रिंसीपल मैथड प्लस वन वाला वह लगता वा इन्हां नूं सॉल्व करन लई सो चलो आपां करदे हां अगली एक्सरसाइज स्टार्ट अप्रोक्सीमेशन है जिहदा नाम सो अगला टॉपिक है अपना अप्रोक्सीमेशन बच्चे इनकी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लैके अप्रोक्सीमेशन का यह समझाना भी किमें डेरीवेटिव यूज करके आप डेसिमल्स वैल्यू के स्केयर रूट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ज क्यूब रूट न कर सकते हैं ठीक है एवं हायर जिहड़ियां एंथ रूट्स आ गए उन्होंने किमें सॉल्व कर सकते हैं जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने को क्वेश्चन यूजिंग differentials approximate the value इधर जो बच्चे मैं देखता हूँ NCERT की एग्जाम्पल ये अपन चक लेने हैं हाँ पहली एग्जाम्पल ये जिमें एग्जाम्पल ये है 21 मैं ही करवा लगा value of ध्यान ना बच्चे स्टेप के नोट करने हैं सब तो पहला स्केयर रूट आपां फाइंड करना 36.6 का तुसीं सब तो पहला वाई नूं लैट करना होगा स्केयर रूट ऑफ एक्स ठीक है वाई नूं आपां की लैट करांगे रूट ऑफ एक्स ठीक है तो एक्स की वैल्यू भी होगी 36.6 का जिहड़ा नीयरेस्ट जिहड़ा वैल्यू जिहदा स्केयर रूट पॉसीबल होवे जिहदा वर्गमूल आ सकता होवे जिवें 36.6 का नेड़े सब तो 36 हो गया ठीक है तो आप फिर 36 लवेंगे एक्स की वैल्यू क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है जे मान लो तो आ जाता 8.5 इस केस जी आप नेड़े की वैल्यू कि बननी सी 9 क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता स्केयर रूट ऑफ 9 इज 3 ठीक है जी सो एक तो वेयर एक्स कि लवेंगे आप 36 सो बच्चे सब तो पहले तुम यह पता होना चाहिए एक्स किमें चूज करनी है जे इतने क्यूब रूट हों आप वैल्यू कड़ी रहनी सी जिन्हें जिंदा क्यूब रूट पॉसीबल हों इंटीजर हों नैचुरल नंबर हों हूँ इन लैट डेल्टा आप जो डेल्टा मैथड किया प्लस वन के एवीएन शो मैथड उनके लैट डेल्टा वाई बी इनक्रीमेंट इन वाई तो लैट डेल्टा एक्स बी इनक्रीमेंट इन एक्स आप एक समाल जा इनू एक नंबर पा लीए इनू दो वेयर एक्स प्लस डेल्टा एक्स साढ़े को होगा दिस वैल्यू 36.6 हर बारी तुसीं एक्स प्लस डेल्टा एक्स की लेनी है आप जिस वैल्यू का स्केयर रूट या क्यूब रूट फाइंड कर रहे हुए वो तुहाडा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा हुण आपां सबट्रैक्ट कर दिए दो दे विचों एक सबट्रैक्ट कर दो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई सो इन्दे विचों वाई प्लस डेल्टा वाई चो वाई कटा दो
एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स आप माइनस कर दिए। एक चीज होर इतने मैं थोड़ी जी तुम सोल्व करके दसदा, जे एक्स 36 है ता वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 36 किन्ना आ जाऊगा 6। इतों वाई की वैल्यू जे एक्स 36 है वाई कितनी आऊगी 6। एवें इतने इतने वाई प्लस डेल्टा वाई कितने इक्वल आ जाऊगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो फिल कर दिए 36.6 आ जाऊगी। तो अपने को वाई इतने कि 6 इतने वाई की वैल्यू 6 कटी है, इनू मैं ए इक्वेशन का नाम देता। एक तो मैं बच्चे एक्स 36 इतने फिल करके वाई की वैल्यू कटी है 6, एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 36.6 फिल करके वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कटी है 36.6 का स्केयर रूट। कहने का 36.6 का स्केयर रूट कहते इक्वल आ गया 6 प्लस डेल्टा ऑफ वाई। तो आप ए नंबर इक्वेशन पा लिया, इनकी वैल्यू 6 कुछ जुड़ के आऊगी वो आप डेल्टा वाई ही पता करना हूँ आप, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना हूँ। आ वाई नाल वाई कैंसल, डेल्टा वाई कहते इक्वल आ गया थोड़े को, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कि 36.6 तो एक्स की वैल्यू कि 36। सो बच्चे जिहड़ा मर्जी दो तरीक नाल मैं करती है चीज़ तुहानूं जिहड़ा सौखा लगता है, जे एस बाय 2-1 करके इतों डेल्टा वाई कढ़िया आपां ये 6 आ गया, 6 नूं उधर लै जाओ इहनूं मैं ए दा नाम उही सेम इक्वेशन बन गई है। मेरे हिसाब नाल आ तरीका जिहड़ा थोड़ा जिहा ईजी है तुसीं उवें भी कर सकते हो, गल इक्को ही है, ठीक है। मैं आह रेज करन लगा, आपां हर वारी इसे मैथड नूं लैके चलांगे, जे किसी नूं ओह मैथड ईजी लगता है वह कर सकदा। सो इहनूं अगे चलदे हां, हुण आपां डेल्टा वाई कढ़ना, डेल्टा वाई कढ़न लगा, ठीक है। डेल्टा वाई किहदे बराबर होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। डेल्टा वाई नूं आपां वी स्माल वाई दे नाल वी है जिहड़ा उह डिनोट कर सकदे हुंदे आ जां डी वाई दे नाल, ठीक है। इक्को ही गल है, जिहड़ा डेल्टा वाई आ ते डेल्टा एक्स नूं आपां ए वी डेल्टा वाई ए अपने कोले कट के डेल्टा वाई रह जाणा। डेल्टा वाई मैं तुहानूं दस ही दित्ता उह इहदे बराबर वी हुंदा। हुण डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू वाई तुहाडे कोले की आ, इहनूं मैं बी वा एक बच्चे इतने आप एक होर चीज़ है डेल्टा एक्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की कर लाँगे, ठीक है। पहला तो वाई की वैल्यू की सी स्केयर रूट ऑफ एक्स, इनका डेरीवेटिव कि आजगा 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। आप लिख लाँगे तो एक्स की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, एक्स कितनी ली सी आप 36, ये 6 आ गया, एक ना आ गया 1/12। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। आपां नूं बी इक्वेशन दे विच दो वैल्यूज चाहीदियां होणगियां हर वारी, एक डी वाई बाय डी एक्स की ते एक डेल्टा एक्स की। जिहड़ी है डी वाई बाय डी एक्स की किवें कढ़ांगे, जिहड़ी वाई नूं आपां रूट एक्स सिलेक्ट कीता है उहदा डेरीवेटिव करके, बाद विच एक्स की वैल्यू जिहड़ी आपां उपर मन्नी सीगी उह भर के, ते एक वैल्यू रह गई हुण डेल्टा एक्स की। इहदी वैल्यू आ गई 1/12। डेल्टा एक्स की वैल्यू किवें निकलूगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितने बराबर सीगा 36.6 दे, ते एक्स कितने बराबर सी 36 दे, एक्स की वैल्यू 36 भर दो इहदे विच, ते तुहाडे कोल डेल्टा एक्स कितना आ जाऊगा 36.6 दे विचों 36 माइनस कीते 0.6 आ जाऊगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो ये डेल्टा एक्स कितना आ गया 0.6। ए पुट इन बी कर दो सारिया वैल्यूज, डेल्टा वाई तुहाडे कोल कितना आ गया 1/12 गुणा 0.6, ये कट के 10 आ गए, ये 1/20 आ गया। इहनूं आपां इंटू फाइव कर लिए डैसीमल च कन्वर्ट करन लई, ये 0.05 आ गया। इहनूं पुट इन ए कर दो, सो इहनूं पुट इन ए कर दिए, ए दे विच पुट करन ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ
36.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू कि आई है 0.5 इनका आंसर कि आ गया थोड़े को 6.05। सो बच्चे एक क्वेश्चन इस तरह आप सॉल्व करना सी, बाकी क्वेश्चन है जेडे आप अगले लैक्चर के डिस्कस करा अजले इन्ना ही। धन्यवाद।